हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है 957 × 957 × 957 प्लस 143 × 143 × 143। और देखो नीचे इतनी बड़ी संख्या दे रखा है, सबका मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। और इसे करने में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आज की वीडियो में जो हम ट्रिक बताने वाले हैं उससे आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर को बता देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। देखो इतनी बड़ी आपको संख्या दे रखी है, करना क्या है, ये है आपका, देखिए से मान लीजिए ए, ये ए है और ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए है, ये प्लस हुआ, ये आपका बी है, ये आपका बी और ये आपका बी, ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रिपल ए है, ये ट्रिपल बी है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ए क्यू और प्लस बी क्यू, क्या हो गया दोस्तों, ए क्यू हो गया और प्लस बी क्यू हो गया। नीचे वाली संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, आप ऊपर चेक कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ए कितना दे रखा है आपका, ए दे रखा है 957, मतलब 957 प्लस बी कितना दे रखा है आपका 143, आपका आंसर देखिए आ जाएगा। 3 और 7 कितना हो गया, 10 का 0, कैरी का 1, 4 और 1 कैरी का 5, 5 और 5 10 हो गया 0, फिर कैरी का 1, 1 और 1 2 और 9 ये हो गया 11, मतलब 1100 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बड़ी ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। देखिए करना क्या होगा, जब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है ऊपर, नीचे वाली संख्या से कोई मतलब मत रखिए, जब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर बन रहा है तो ए प्लस बी कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है आपको, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप चेक करेंगे इसमें संख्या पलट दी गई है, और आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर में भी पलटी हुई संख्या दी गई है और इसमें भी संख्या पलटी हुई दी गई है। जैसे ये ए हो गया 649, ये ए हो गया 649, ये हो गया 649, ये बी हो गया 351, ये भी बी हो गया 351, ये भी बी होगा 351, ठीक है फ्रेंड्स, संख्या पलटी हुई दी गई। पहले क्या था, ये वाली संख्या ए क्यू प्लस बी क्यू वाली ऊपर दी गई थी, इसमें नीचे दी गई है, तो कन्फ्यूज मत होइए, इसका जो आंसर होगा वो आएगा 1/2 में। जैसे ये हो गया दोस्तों ए का क्यू प्लस बी का क्यू, तो करना क्या है, ए प्लस बी करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ए कितना दे रखा है आपका, जो ए दे रखा है वो दे रखा है आपका 649, प्लस कितना दे रखा है बी कितना 351, आप ऐड कर दीजिए 9 और एक कितना हो जाएगा 10 का 0, कैरी का 1 1 और 5 6 6 और 4 10, कैरी का फिर से 1 1 और 6 7 7 और 3, ये हो गया फिर से 10, ठीक है फ्रेंड्स। एक आंसर किस में आएगा, 1/2 में आएगा, तो 1/1000 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जब बटे में दे रखा है ये वाला तो आप आंसर बटे में कीजिए, जब बटे में नहीं दे रखा ऊपर दे रखा है तो आपका जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा आ जाएगा, 1/2 में नहीं आएगा। तो ये तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है दोस्तों, इसे आप चेक करेंगे, यहाँ पर माइनस दिया गया है, ये हो गया आपका ए, ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, ये बी, बी और बी, लेकिन बीच में जो है साइन माइनस का है, पहले हमने देखा प्लस का है, तो इसमें भी बिल्कुल वही करना है, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू हो रहा है ये, तो इसमें क्या करेंगे आप, ए माइनस बी, जब ए प्लस बी क्यू बनना था तो प्लस किया था, जब माइनस बनना है तो ए में से माइनस कर दीजिए, बी को आंसर आ जाएगा। तो ए कितना है आपका 734 और बी कितना है आपका 127, माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब माइनस कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 734 यहाँ लिख लेते हैं और 127 सिंपल तरीके से बिल्कुल माइनस करके देख लेते हैं। देखिए 4 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा, मतलब 607, यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 607। बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने माइनस करके देख लिया है आपका आंसर कितना आ जाएगा 607, यही दोस्तों इसका आंसर है। अगर ये माइनस वाला बटे में दे दिया जाए, ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या नीचे दे दी जाए, तब आपका आंसर किस में आएगा, बटे में आएगा दोस्तों, तब आपका आंसर बटे में आता है, जैसे हमने अभी दूसरा क्वेश्चन देखा था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ए यहाँ भी ए दे रखा 756, मतलब 756, 287 मतलब 287, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए और ये बी, इससे कोई मतलब मत रखिए। तो ये फॉर्मूला क्या बना है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही दोस्तों आपका फॉर्मूला बन रहा है ऊपर वाला, नीचे वाली संख्या से कोई मतलब मत रखिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप देख कर ही बता सकते हैं, इसका आंसर आएगा दो। जब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बने तो आपका सीधा सीधा आंसर दो होगा। अब ये मैं बता दूं आपको हैव कैसे जाता है, ये हो कैसे जाता है, तो ये कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, टू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पॉइंट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले को आप खोल लेंगे, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या दो। तो यही दोस्तों आपका आंसर होता है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दे रखा है तो सीधा सीधा उसका आंसर आप दो कर दीजिए। कोई भी सूत्र मत लगाइए, कोई भी फॉर्मूला नहीं, सीधा सीधा आप उसका आंसर दो कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था, इसमें दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले वाले में यहाँ पर प्लस का साइन था और इसमें माइनस का साइन है, तो दोस्तों इसे भी बिल्कुल वही ट्रिक से करेंगे, तरीका कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा हो तो आंसर आता है आपका दो, लेकिन जब माइनस का साइन दे रखा हो तो आंसर आता है आपका चार। बस इतना आंसर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो आंसर आएगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो आंसर आएगा आपका चार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सभी प्रश्नों को नंबर सिस्टम के आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई मत कीजिए, कोई भी फॉर्मूला मत लगाइए, आप देख कर ही उसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो समझ में आ गया होगा इस टाइप के प्रश्नों को करने में आपको कितना समय लगेगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।